हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी मैं लौकी तोड़ रही हूँ। ये देखिए, फ्रेश लौकी है, एक ही पीस है यहाँ पे, तो मैं इसको तोड़ लेती हूँ। पहले आज इसका ही सब्ज़ी बनेगा, और जो सब्ज़ी मेरा सबसे फेवरेट है, मैं बचपन से, मुझे ये बहुत पसंद है लौकी खाना। सब हर किसी को पसंद नहीं होता है। और थोड़ा सा धनिया लीफ मैं ले लूँगी यहाँ से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं 4 चम्मच मूंग दाल फ्राई करूँगी। वो ब्राउन होने तक मुझे इसको भुनना है। अच्छे से ब्राउन होने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। अभी मैं पानी ऐड करूँगी, थोड़ा सा, 1 ग्लास जैसा आपको पानी ऐड करना है, 200 ग्राम। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना है आपको, और इसको कवर करके कुक करना है। इस बीच में मैं लौकी को छील लूँगी। अभी लौकी को मैंने छील लिया है, इसको 4 पीसेस में काट लिया है लौकी को। उसके बाद अच्छे से वॉश कर लेंगे, बाद आप फाइनली चॉप कर लेंगे इसको। आपको जैसे आते उस तरीके से आप चॉप कर लीजिए, मैं ऐसे कर रही हूँ। लौकी को मैंने चॉप कर लिया। अभी मैं एक बार चेक कर लूँगी दाल बॉयल हुआ या नहीं। दाल को थोड़ा बॉयल होना है। अभी दाल बॉयल हो चुका है, मैं अभी लौकी को डाल रही हूँ। अच्छे से इसको मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हाई फ्लेम में इसको कुक करना है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट तक हम लोग कुक करेंगे तो इससे पानी निकलेगा। उसके बाद हम लोग मीडियम फ्लेम में डाल देंगे। मैंने दाल फ्राई करने के टाइम में कोई ऑयल नहीं दिया है, जस्ट प्लेन कढ़ाई में आपको दाल को फ्राई करना है। 4 to 5 मिनट्स हो गया कुकिंग करते हुए। अभी देख सकते हैं इसमें पानी निकल रहा है। अभी मैं धनिया पाउडर ऐड करूँगी, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और हल्दी। तीनों चीज़ को अच्छे से मिक्स करना है मुझे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम में इसको कुक करना है, जब तक ये बॉयल ना हो जाए। बीच बीच में आपको चेक करना है नीचे ना लगे, और इसमें ऑलरेडी पानी आ रहा है लौकी के कारण। अब इसको अच्छे से कुक करना है जब तक बॉयल ना हो। अभी मैं इसको निकाल लूँगी। लौकी कुक हो चुका है, दाल का पानी भी सूख गया और लौकी भी कुक हो चुका है। मैं अभी इसको एक बर्तन में निकाल लूँगी। इस कढ़ाई को आप थोड़ा सा पानी से अच्छे से धो लीजिए, फिर इसको बैठा दीजिए, नहीं उनसे वो जल जाएगा नीचे अगर आप नहीं धोएंगे तो। तो इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रही हूँ, 2 रेड चिल्ली, इसके बीच में मैंने काट के डाला है, और थोड़ा सा 5 फूरन बोलते हैं, आप जीरा डाल सकते हैं इसमें, मेथी, जीरा, अजवाइन मिक्स करके डालते हैं हम लोग। आपके पास कुछ ना हो तो आप सिर्फ जीरा डाल सकते हैं। फिर अच्छे से भुनने के बाद लौकी को डाल दीजिए इसमें। अभी थोड़ा सा इसमें चीनी ऐड कर दीजिए, एकदम थोड़ा सा, 1/2 टीस्पून से भी कम। अगर आपको पसंद नहीं है आप मत दीजिए इसमें। और थोड़ा सा नमक। अभी इसको अच्छे से भुनना है। आप देख सकते हैं इसमें से ऑयल निकलेगा, आपको अच्छे से भुनना है इसको मीडियम फ्लेम में।
अभी दो रेड चिल्ली मेरे पास है, आप ग्रीन चिल्ली डाल दीजिए, दो या तीन ग्रीन चिल्ली, जितना आपको तीखा पसंद है आप उतना ग्रीन चिल्ली डाल दीजिए। और आपका करी रेडी हो चुका है, अभी इसका फ्लेम आप ऑफ कर दीजिए। उसके बाद जो धनिया लीफ है वो मेन चीज़ है यहाँ पे, आपको बिना धनिया लीफ को ये अच्छा नहीं लगता, और इसमें आपको थोड़ा सा धनिया लीफ अच्छे से चॉप करके इसमें डाल दीजिए। और ये मैंने फ्रेश लाए हूँ धनिया लीफ, फ्रेश होने से बहुत अच्छा लगता है, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। आप इसमें फ्रेश धनिया लीफ डाल दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये बहुत ही हेल्दी है, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, रोटी के साथ आप खा सकते हैं, राइस के साथ आप खा सकते हैं, वाइट राइस के साथ। आप ट्राई ज़रूर करना, अगर आपको पसंद आए तो मैं ऐसी वीडियो दोबारा डालते रहूँगी। थैंक यू।